हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई। हाँ फ्रेंड्स, आज मिल्क पाउडर और हम नारियल के बुरादे से आपको बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनाकर दिखाएंगे, जिसे कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाकर खाओ। और यह बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार होती है और नॉर्मली घर के ही इंग्रीडियंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए, अब हलवाई की दुकान से मिठाई लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इस मिठाई को इंजॉय कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई अपनी गैस पे रख ली है और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी का। घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये मैंने शुद्ध देसी घी घर का लिया हुआ है, होममेड घी है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा घी यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको इस मिठाई में मक्खन का यूज़ नहीं करना है, आपको मेल्टेड घी लेना है, या तो क्रीम का हो या फिर आपके पास घर का होममेड घी हो उसे ही यूज़ कर सकते हो आप। घी में ही बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है, इसके लिए ऑयल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो देखिए, हमारा घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स करेंगे दूध। तो मैंने ये एक कप दूध लिया हुआ है और अब हम अपने दूध को गर्म होने देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठंडे दूध में आपको अपना मिल्क पाउडर नहीं डालना है। फ्रेंड्स, आप घर पर ही दो तीन इंग्रेडिएंट में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी मिठाई तैयार कर सकते हो। तो देखिए, हमारा दूध गर्म हो चुका है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे मिल्क पाउडर। तो देखिए, मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है और अच्छे से हिला देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितना मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहते हो या फिर कितनी मिठाई बनाना चाहते हो। मैंने ये दो कटोरी मिल्क पाउडर डाला है क्योंकि मैं इसमें चीनी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। चीनी इसमें पहले से ही होती है, इसलिए मैं इसमें चीनी का यूज़ नहीं करूँगी और जो इसमें लम्ब्स बन जाएंगे उसे हम धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाने से बंद नहीं होना है, अगर आप इसे हिलाने से बंद होंगे तो यह नीचे की तरफ लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आपको इस मिठाई में 10 से 15 मिनट में यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो धीरे धीरे यह है इसकी कंडीशन चेंज होती जा रही है। पहले ये काफ़ी पतला था, अब थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका मिल्क पाउडर और दूध धीरे धीरे भुनेगा तो इसकी कंडीशन चेंज होती चली जाएगी। आपको इसे तब तक भूनना है जब तक यह मिठाई की कंडीशन में नहीं आ जाता, पर आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है। जितना आप इस मिठाई को हिलाएंगे उतना ही आपकी मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी और ऐड नहीं कर रही हूँ। मैंने अब जो बाद में डाला है वो भी, जो थोड़ा सा मिल्क पाउडर बचा हुआ था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। आपको जैसे कि बताया था, ये पैकेट मैंने 250 ग्राम का लिया हुआ था। आप चाहो तो इसमें, अगर आपको ज़्यादा मिल्क पाउडर लेना है तो बड़ा पैकेट ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हो तो इसमें भी आपकी कम से कम हाफ के जी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पहले में और अब में इसकी कंडीशन में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, ये काफ़ी क्रीमी और काफ़ी टाइट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी नारियल का बदा। अगर आपके पास घर पर गोला रखा हो तो आप उसे भी क्रश कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये नारियल का बुरादा है, ये मैं इसमें एक कटोरी ऐड करूँगी। इससे आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी आपको। तो देखिए, जो मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला था वह इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो आपको इसी कंडीशन में नारियल का बुरादा इसमें डालना है। अगर आप बाद में डालेंगे तो कहीं से आपकी मिठाई सूखी और कहीं से गीली रहेगी, तो आप इसी कंडीशन में आप इसमें नारियल का बुरादा डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये फटाफट बनने वाली मिठाई है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, आप इसे 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैं इसे इस तरह हिलाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी मिल्क पाउडर और दूध बिल्कुल मिठाई के कंडीशन में आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसे आप 2 से 3 मिनट और हिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है मिठाई की कंडीशन में आ चुका है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और धीरे धीरे इसे इस तरह हिला लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसे थाली में जमा रही हूँ क्योंकि थाली सभी के घर में अवेलेबल होती है, इसलिए आप इस थाली में ही इसे जमा सकते हो। अगर आपके पास ट्रे हो या फिर मिठाई का कोई भी कंटेनर हो तो आप उसमें भी जमा सकते हो, लेकिन मैं इसे थाली में ही जमा रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है
और अब इसे अच्छे से फैला लेंगे, क्योंकि यह जितना ठंडा होगा उतनी ही आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। जितना यह ठंडा होता जाता है उतनी ही यह टाइट हो जाएगा। दो हम अपने चम्मच को इसे अच्छे से पूछ लेते हैं, चम्मच को उसे अच्छे से अपनी मिठाई को चारों तरफ से उतार लेंगे। और अगर आप इस पर ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो अभी इस पर जमा सकते हो, लेकिन अगर आप बाद में ड्राई फ्रूट डालोगे तो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर उसने आपने इस पर अभी ड्राई फ्रूट से सजाने की कोशिश की तो यह कटने में काफ़ी दिक्कत करेगी, तो इसलिए आप इसमें ड्राई फ्रूट बाद में ही ऐड कर लीजिएगा। तो अब तो बस मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करके इसे बराबर एक जैसा बना कर रख देती हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए अब मैं इसे इस प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो देखिए एक एक करके मैं इसी तरह अपनी सभी मिठाइयों को कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छी कटी हुई हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।